तो प्यारे साथियों, तो आज हम टाइपवाइज इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो में आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और अभी तक आप फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले फॉर्मूला का वीडियो देख ले, जिससे कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पता चल जाएगा कि क्या होता है। उसके बाद इस टाइप को देखें तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। x के पावर 2 का इंटीग्रेशन कह रहा है, तो हम यहां पर देखे थे कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। x के पावर n का इंटीग्रेशन था x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 था। यही था ना बच्चों, आपने फॉर्मूला याद किया होगा, तो यही था ना x के पावर x, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो पावर भी एक ऐड करते हैं और नीचे भी क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, यानी x के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। ठीक, तो x के पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और फिर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी x के पावर 3 बाय 3 प्लस c। इसी के आधार पे हम आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx, इंटीग्रेशन x के पावर 4 dx, इंटीग्रेशन x के पावर 5 dx। आप वीडियो को पॉज करें और इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर से आप सॉल्यूशन को मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, यानी x के पावर 4 प्लस 4 बाय 4 प्लस c, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, x के पावर 4 का हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस c, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। x के पावर 4 प्लस 1 5, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, क्योंकि हम को मालूम है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है, तो हो जाएगा x के पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, यानी x के पावर 6 बाय 6 प्लस c। ठीक है, ये आपका एक टाइप था। दूसरा टाइप की बात करते हैं। ठीक है, e के पावर 2x, हम चूंकि जानते हैं कि e के पावर x का, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो e के पावर 2x का भी इंटीग्रेशन e के पावर 2x होगा, नो डाउट। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो e के पावर 2x का भी इंटीग्रेशन e के पावर 2x होगा। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x इंटू 2 करते हैं, लेकिन यही 2 को इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेशन में कहां लिखते हैं, डिवीजन में लिखते हैं, यानी डिवाइड में लिखते हैं। समझे या नहीं, हम क्या बोले उस लाइन पर गौर करिए कि e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x इंटू 2 होता है, तो डिफरेंशिएशन में
मल्टीप्लाई में लिखते हैं, लेकिन वही इंटीग्रेशन में इसको मल्टीप्लाई में नहीं, यही टू को कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये तीन क्वेश्चन है, इस तीन क्वेश्चन को सॉल्व करें। e के पावर 3x का इंटीग्रेशन, e के पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3, जो कि कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, अब प्लस c, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। e के पावर 4x dx का इंटीग्रेशन, e के पावर 4x का इंटीग्रेशन e के पावर 4x ही होगा, और 4x का डिफरेंशिएशन 4, जो कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते हैं लेकिन इंटीग्रेशन में कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, e के पावर 5x का इंटीग्रेशन e के पावर 5x और 5x का डिफरेंशिएशन 5 जो होता है, इंटीग्रेशन में कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, x का डिफरेंशिएशन आप कितना जानते हैं प्यारे बच्चों, x का डिफरेंशिएशन आप कितना जानते हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन आप कितना जानते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और डेरिवेटिव का अपोजिट होता है एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। अगर x का डिफरेंशिएशन आप 1 जानते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी एक्स के पावर क्या है, एन है, एक्स के पावर क्या है, एन है, तो एक्स के पावर एन को क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस एक्स के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। एक बार मेरे साथ बोले, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, फिर से बोलिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन x और c देते हैं अपने मन से, चूंकि c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो x के पावर 2 प्लस 1 कितना होगा, मेरे साथ बोले आप, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, और फिर 2 प्लस 1 3, प्लस है तो प्लस लिख दिए, x है तो x लिख दिए, 1 प्लस 1 कितना होता है आप बताइए, बताइए 2, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, प्लस एक्स को एक्स लिख दिए प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक्स के पावर 3 प्लस 2 एक्स के पावर 1 प्लस 3 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, 2 कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दिए, एक्स के पावर 1 का इंटीग्रेशन करना है प्लस 3 बाहर निकाल दिए, 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है, तो x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस 2 को 2 लिख दिए, x के पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x के पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस 3 को 3 लिख दिए, और 1 का इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो जाएगा x 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 को 2 लिख दिए, x 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 3x प्लस c, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा x के पावर 4 बाय 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। ठीक है, 4x के पावर 4 प्लस e के पावर 3x प्लस 4x के पावर 1 प्लस 6 का होल dx इंटीग्रेशन करना है, 4 को बाहर निकाल दिए, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है प्लस
ई के पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है, प्लस 4 का इंट 4 को बाहर निकाल दिए, x के पावर 1 का इंटीग्रेशन करना है, प्लस 6 को बाहर निकाल दिए, तो कितना बचा है यहाँ पे 1, 1 का इंटीग्रेशन करना है, कितना बचा है यहाँ 1, 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब 4 रख दिए, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस e के पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो e पे पावर 3x होता ही होता है, और e के पावर 3x का इंटीग्रेशन e पे पावर 3x होता ही होता है, लेकिन 3x का जो डिफरेंशिएशन 3 होता है, इंटीग्रेशन में उसको मल्टीप्लाई में नहीं लिखा जाता है, इंटीग्रेशन में उसको डिवीजन में लिखा जाता है, यानी बटे 3 हो जाएगा। प्लस 4, एक्स के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, 6 को 6 लिख दिया, और 1 का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं एक्स होता है, तो 4 एक्स 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 प्लस ई के पावर 3x बाय 3 प्लस ये 1 1 2 और 1 1 2 2 2 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो बचेगा 2 प्लस 6x प्लस सी, तो 4x के पावर 5 बाय 5 प्लस e के पावर 3x बटे 3 प्लस यहाँ 2 2 जा 4 कट गया, तो बचा 2x के पावर 2 प्लस 6x प्लस सी। ठीक है बच्चों, समझो, इतना मेहनत से बता रहे हैं प्यारे बच्चों, पहले आप फार्मूला रटो, अच्छा से फार्मूला रटने के बाद इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है, जरूर समझ में आएगा। आइए साइन 2x, पहले हम साइन x का इंटीग्रेशन जाने क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन मेरे साथ आप बोलो, साथ में बोलने के बाद आपको याद आएगा, सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं होगा, वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ बोलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, बोलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कितना है साइन टू एक्स है, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है ये टू एक्स, यानी अगर हम कॉस 2x का डिफरेंशिएशन करें तो कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, यानी माइनस साइन 2x, और ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, यानी जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है वही इंटीग्रेशन में कहाँ हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होता है, ये 2x का डिफरेंशिएशन जो 2 होता है वो मल्टीप्लाई में नहीं, ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा, और प्लस सी। तो ये तीन क्वेश्चन हम आपको दिए हैं बनाने के लिए, ये तीन क्वेश्चन को जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और तीनों क्वेश्चन बना के फिर जाके आप सोल्यूशन को मैच करिए, देखिए कि आपका कितना सही हो। ठीक है, फिर से देख लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ये प्यारे बच्चों आपका अगर मन में डाउट है कि टू नीचे कहाँ से आया, तो डिफरेंशिएशन में टू मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में वही टू मल्टीप्लाई में नहीं डिवीजन में होता है, तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x और 3x का बटे 3 प्लस सी, साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x और 4x का 4, 4 कहाँ चला जाएगा डिवीजन में, साइन 5x dx का हो जाएगा माइनस कॉस 5x और 5x का बटे 5 प्लस सी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन साइन 2x, उसी प्रकार 2x का डिफरेंशिएशन जो 2 होता है वो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक, फिर से हम आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, इस पे आधारित तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और समझाते हैं, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2 होगा, उसी प्रकार कॉस 3x का इंटीग्रेशन
साइन 3x बटे 3, कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बटे 4 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं 1 बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, किसका 1 बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। प्यारे साथियों, तो एक्स स्क्वायर जब नीचे में हो, जैसे 1 बटे एक्स के पावर एन है, ये ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम चूंकि फॉर्मूला जानते हैं एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2, एन का मान है प्लस 1 बटे प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस सी। तो माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स के पावर अगर माइनस एन रहे तो ये 1 बटे एक्स के पावर प्लस एन हो जाता है। तो एक्स के पावर माइनस 1 है तो नीचे में आके कितना हो जाएगा, प्लस 1। इस पे आधारित हम आपको 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। देखिए तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, फिर आंसर को क्या करिए, मैच करिए, फिर आंसर को क्या करिए, मैच करिए और देखिए आपका कितना सही होता है। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी बुक के 7.1 में प्रवेश कर गए हैं। 7.1 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 7.1 के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते हैं। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, जो कि ये कहाँ लिखाता है, डिवाइड में। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है, तो 3 को बाहर करिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, प्लस 4 को बाहर करिए, एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा। 3 को 3 लिख दिए, एक्स के पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 4 को 4 लिख दीजिए, एक्स के पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 3, एक्स के पावर 2 प्लस 1 कितना 3, 2 प्लस 1 3, प्लस 4 को 4 लिख दीजिए, एक्स के पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 को क्या लिखेंगे, एक्स के पावर 4 बाय 4, 4 4 कैंसिल, तो ये 3 3 कैंसिल, एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, वन बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला ही होता है प्यारे साथियों, फॉर्मूला होता है लॉग मोड एक्स। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स की पावर 3 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस वाई बटे 2 को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बटे 2 प्लस वाई बटे 2। बोलिए, अरे बोल तो दो, हाँ या ना, एक्स प्लस वाई बटे 2 को लिख सकते हैं एक्स बटे 2 प्लस वाई बटे 2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक, एक्स के पावर 3 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे, तो एक्स के पावर 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, जब ये कैंसिल होगा बचेगा एक्स माइनस, और 1 बटे एक्स स्क्वायर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये पावर है 1, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन हम बताए हैं ना, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, फिर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, माइनस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और जब ऊपर माइनस में रहे तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक्स के पावर थ्री, एक्स के पावर 2/3 + 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक्स के पावर 2/3 का इंटीग्रेशन करना है और 1 का इंटीग्रेशन करना है। जब एक्स के पावर 2/3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर उसी प्रकार एक्स के पावर एन के जैसा इंटीग्रेशन होगा। यानी एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन हम आपको बताए हैं कि एक्स के पावर n+1/(n+1) होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार 2/3 + 1 2/3 + 1 होगा। अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन ऑलरेडी बता चुके हैं और आप फार्मूला भी देख लीजिए, एक्स होता है। अब 2/3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 2+3 यानी 5/3। तो ये हो जाएगा 5/3/5/3 और एक्स को एक्स लिख दिए। और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3/5 एक्स के पावर 5/3 + c, ठीक है, एक्स प्लस सी। एक्स के पावर 2/3 + 2e·x − 1/x का इंटीग्रेशन। तो एक्स के पावर 2/3 के इंटीग्रेशन करना है, फिर 2 बाहर निकाल लिए, e के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर 1/x का इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n+1/(n+1) होता है। तो एक्स के पावर 2/3 का इंटीग्रेशन 2/3 + 1/(2/3 + 1) प्लस 2 ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है। आप फार्मूला में फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए। और 1/x का भी इंटीग्रेशन 1 लॉग मोड एक्स होता है। फिर से फार्मूला देख लीजिए और याद कर लीजिए। 2/3 + 1 5/3 होता है, 2/3 + 1 5/3 होता है। और 3 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 3/5 एक्स के पावर 5/3 प्लस 2 एक्स के ई पे पावर एक्स माइनस लॉग मोड एक्स, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन हमारे साथ बने रहे। और शुरू से अंत तक वीडियो को पुनः देखे, बार बार देखे, जरूर समझ में आएगा। कहीं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। हमारे चैनल में वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें।